है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है। सीधा आपको हरिद्वार लिए चलेंगे जहां मेरे सहयोगी अवधेश मौजूद हैं। अवधेश दिखाइए क्या तस्वीरें आ रही है वहां से। बिल्कुल प्राची, लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहां से मिल रही हैं और इस वक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूपतवाला के मतदान केंद्र पर हैं। और देखिए, जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें संत भी पहुंचे हैं अपने मतदान की आहुति डालने के लिए। और ये तस्वीरें बताती हैं कि लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए। कुछ संत हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, वोट देने आए हैं आप, आपका क्या मुद्दा होता है, किस मुद्दे पर आप चुनते हैं प्रत्याशी? हम जो देखते हैं ना कि हम ये इसको चुन रहे हैं, वह कैसा निष्ठ आदमी है। अगर वह ईमानदार है, सच्चाई की ओर चल रहा है और वह देश के हित के लिए कर रहा है, हम उनको चुन रहे हैं, चयन कर रहे हैं। आप इसमें तो नहीं पढ़ते कि हम इसको देंगे उसको देंगे? नहीं, मेरे पास में कोई पार्टी बनने का कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा उसको देंगे। महाराज जी, आपका क्या मुद्दा रहता है वोटिंग का? मेरा तो देखिए मुद्दा ये है कि सरकारें तो बहुत चीज आज तक दिया, लेकिन बीजेपी ने जो विश्वास दिया है ये खास चीज दिया है। अच्छा। तो मैं तो विश्वास के आधार पर, विश्वास पर वोट कर रहे हैं। महाराज जी, साधु संतों की क्या मांगे रहती हैं, आप किस उम्मीद के साथ वोट करने आते हैं, क्या मकसद है वोट करने? साधु संत तो सब धर्म के लिए कार्य करते हैं। बाकी देखो अवधेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और अभी उत्तराखंड के राज्यपाल भी मतदान करने के लिए जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों